हाय बच्चे, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट ब्रिलिएंट एकेडमी। हम डीके गोयल के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट, तो अभी पीछे के क्वेश्चंस में हमने सिक्स तक कर लिया था, सॉरी फिफ्थ तक कर लिया था। अब सिक्स क्वेश्चन पे हम स्टार्ट हो रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 2:1। वाई रिटायर हो रहा है, हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय जेड। कैलकुलेट योर रेशियो। मैंने आपको बताया था इस टॉपिक का कि इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर पूरा का पूरा शेयर ले लेता है। चलो अब इस क्वेश्चंस को हम करके देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लूँ आपके लिए। तो ये हो गया सिक्स क्वेश्चन, इसका अब सॉल्यूशन पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, तो हमने ले लिया एक्स टू वाई इज टू जेड, ये पार्टनर है और इनका जो शेयर है बेटा 2:2:1 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि y रिटायर हो गया, तो y रिटायर हो गया, y को हमने क्लोज कर दिया, y के शेयर को क्लोज कर दिया, ठीक है? अब कहता है हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय जेड, तो अब तो जेड टेक्स होल शेयर ऑफ वाई, जेड जो है वाई का पूरा लेता है, तो एक्स का न्यू शेयर क्या रहेगा? एक्स न्यू शेयर आप निकालोगे, एक्स का न्यू शेयर तो सेम ही है चूँकि एक्स ने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये 2/5 रहेगा। अब आप जेड्स का न्यू शेयर निकालोगे, तो जेड्स न्यू शेयर जब निकालोगे तो जेड पहले से था 1/5 प्लस इसे गेन हुआ 2/5 वाई से, तो इसका शेयर हो गया 3/5। अब इसके बेसिस पे जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो न्यू रेशियो ऐसे निकल के आ रहा है एक्स इज टू जेड, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया, तो एक्स का शेयर 2/5 और जेड का शेयर 3/5। इसके बेसिस पे कर लीजिएगा 2:3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा? तो ये आंसर आपका कवर हो गया। अब ऐसे हम सिक्स के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज सेवन्थ क्वेश्चन। ये आपके डी के गोयल की बुक का है, तो हम अब इसके सॉल्यूशंस पे आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, आप क्या रखा गया, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशियो इनका दे रखा 1:2, 2:6, 1:6, ठीक है? अब कह रहा रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे भी आप देखो इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, हमें इक्वलाइज करना है, ये ध्यान रखना। कहता है आर रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1 इमीडिएटली। कहता है एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवेन बाय पी एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय पी एंड क्यू, ठीक है? अब कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एज, सॉरी एस एडमिशन। देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, पी है, क्यू है और आर है, तो हमने पी क्यू आर तीनों को ले लिया। पी क्यू आर कितने रेशियो में है, 1/2, 2/6 और 1/6। मैंने आपको क्या कहा था, इनको इक्वलाइज कर लो पहले, ये एलसीएम तो 6 आ गया, तो 2, 3 जा 6, ये तो 2 ही रह जाएगा और ये 1, इनका जो रेशियो था वो 3:2, 2:1 था। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। अब क्या कह रहा, आर रिटायर हो रहा और हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। आर रिटायर हो गया, आर का शेयर भी क्लोज हो गया, अब उसके शेयर्स को पहले बांटो आप, तो आप लिखेंगे पी गेंस, पी गेन कितना कर रहा है भाई, पी गेंस फ्रॉम आर, आर से गेन कर रहा है कितना, तो इन्होंने कहा 2:1 है, 2:1 यानी 2/3 ऑफ आर का शेयर 1/6, इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 2/18, ऐसे लिखोगे क्यू गेंस फ्रॉम आर, क्यू कितना गेन कर रहा, तो 1/3 ऑफ 1/6, ये आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/18, तो ये निकल गया। अब इसके बेसिस पे हम निकाल देंगे पी का न्यू शेयर, तो पीज न्यू शेयर आप निकाल लोगे, पी न्यू शेयर क्या है, पी का पहले से तो 3/6 था ही, अब इसने गेन किया 2/18, तो इसमें आप इसे ऐड कर लोगे, ऐड हो गया 18 आ गया एलसीएम, तो 6 3 जा 18,
थ्री थ्री जा नाइन प्लस 18 है, 9 और 2 11, 11 अपॉन में 18, ये आ गया पी का। ऐसे जब हम क्यू का निकालेंगे तो क्यूज़ न्यू शेयर, तो क्यू कितना है बेटा, क्यू तो पहले से तुम्हारे पास दे रखा था 2/6, तो 2/6 प्लस यहाँ पे क्यू ने गेन किया था 1/18, इसको आप एलसीएम ले लो फिर से, ऐसे 18 आ गया इसका। 6 3 जा 18, तो 3 से कर दिया, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आ गया 7/18। तो इन दोनों के जब न्यू रेशियो निकालेंगे पी और क्यू का, तो ये आ जाएगा 11/18 और ये आ गया 7/18। इसके बेसिस पे आप रेशियो निकाल दो 11:7, ये तो आ गया इनका रेशियो। अब इसके बाद आपसे कह रहा है एस एडमिट हुआ, तो अब यहाँ से आप न्यू पार्टनर की एंट्री दिखा दो, न्यू पार्टनर जो है वो कौन है, एस। तो एस कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ विच ही वाज गिवन बाय पी, तो अब यहाँ लिखोगे पी सेक्रीफाइस फॉर एस, कितना किया, तो 1/3 ऑफ विच, तो यानी 1/3 ऑफ 1/4, ये निकालोगे 1/12 आ गया। अब निकालोगे फिर जो 1/3 तो इसने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग 2/3 ऑफ 1/4, ये निकालोगे 2/12, समझ रहे हो। तो विल, अब यहाँ पे कह रहा, एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय इक्वली बाय पी एंड क्यू, तो विल गिवन बाय पी एंड क्यू इक्वली। अब यहाँ देखो एक चीज़ आप, पहले भी पी ने दे रखा है, दोबारा भी दे रहा है, तो अब आप निकालोगे पी एंड क्यू सेक्रीफाइस इक्वली फोर एस, इसको निकालोगे तो 1/2 ऑफ जो रिमेन ये आया था 2/12, इसके बेसिस पे आप कर लीजिएगा, इसे कैंसिल कर लो, 1/12 इच दोनों ने दिया है। पी का न्यू शेयर निकालोगे, पी का पहले से शेयर था 11/18, उसमें से 1/12 यहाँ पे माइनस किया, 1/12 इसने यहाँ पे दिया, तो दो बार आप माइनस कर लो, 36 एलसीएम आ गया। तो हमने इसका एलसीएम के बेसिस पे निकाल दिया, 22 - 3 - 3, तो इसके बेसिस पे जो एलसीएम आएगा आपका ये आ गया 36। तो यह 22 में से 6 माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 16/36, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे जब हम पी के बाद क्यू का निकालेंगे, तो इसलिए सो निकाला क्यूज़ न्यू शेयर, क्यू का न्यू शेयर कितना आएगा, तो क्यू तो नया पहले तो आया हुआ था 7/18, हमने वो ले लिया 7/18, उसमें से क्यू ने 1/12 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 1/12 हमने सेक्रीफाइस कर दिया, एलसीएम आ जाएगा इसका 36, 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 14 - 12 3 जा 36, 3, तो ये आ गया आपका 11/36। इससे आप न्यू रेशियो निकाल दीजिए इनका, हमने न्यू रेशियो, सॉरी आपको अगर नहीं दिखा तो एक बार दोबारा से बता दूं, यहाँ पे न्यू रेशियो फिर हम निकाल रहे हैं पी क्यू आर, पी का जो हमने निकाला था न्यू वाला, पी का हमने निकाल रखा है यहाँ पे नया, ये 16/36 वो ले लिया हमने, ठीक है। क्यू का जो हमने निकाला 11/36 वो हमने ले लिया, और जो नया वाला है एस, सॉरी पी क्यू एस नॉट आर, पी क्यू एस, एस जो है न्यू पार्टनर है, इसका शेयर 1/4 है, तो ये हमने 1/4 ले लिया। अब इसके बेसिस पे हमने फिर से वैसे निकाल दिया, एलसीएम लेंगे 36, 16:11:9 आ जाएगा, कैसे 36 है तो ये वही रहेगा 16, ये भी 36 से ये 11 ही रह जाएगा, 4 के टेबल से 36 आएगा 9 टाइम्स में, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करके हमने ये ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16:11:9 पक्का। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।